हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मतीन। स्वागत है आप सभी का फूडी व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है, जो कि हमारे इंडिया की जो कि खूबसूरती है कि हम बहुत हमारे इंडिया में कई जात के धर्म है जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही मान सम्मान देते हैं। हर एक जात को, हर एक धर्म को काफ़ी हम अफजल रखते हैं, उनको सबसे ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक मराठी समाज के शिव जयंती है, मराठी समाज में जो उनके किंग है उनकी शिव जयंती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। दोस्तों, मुझे तो इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ खास मेहमान है जो कि इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो कि मराठा समाज से बिलोंग रखते हैं। तो ये रहे दोस्तों धीरज भाई हमारे। हेलो दोस्तों, तो आज अपन शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। वो आज उनका जन्म हुआ था 1630 में, उनका जन्म हुआ था। आज उनकी 392वीं जयंती है, तो उसके लिए अपन शिव जयंती कैसे मनाते वो सब आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो फिलहाल तो हम लोग नीचे जाके शिव जयंती घर में ही कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग बाहर जाते हैं। सो शिवाजी महाराज का स्मारक आता है, उस पर फूल हार चढ़ा के उनके जन्मदिन की बधाई या सबको देते हैं। और मतलब शिवाजी महाराज हमारे लिए, मराठा साम्राज्य के लिए भगवान है, उनके लिए आज हमारे घरों में जो मंदिर है उनमें भगवान है, इसीलिए हम लोग शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं। तो गाइस, हमारे लिए वो किंग है हमारे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो के वीडियो में बना रहा हूँ, ये धार्मिक विषय पे नहीं है ये वीडियो। मतलब जो मराठा समाज का कल्चर है, जो मतलब उनके किंग है, मतलब जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ही जंग की है इंसाफ दिलाने के लिए, तो उसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये कोई धार्मिक वीडियो नहीं है, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी, कल्चर नए नए जानने का बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए गाइज, हम आपको आगे बताते हैं। तो गाइज, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं, कुछ लोग शोर शराबा भी करते हैं, तो करना चाहिए, वो तो कोई मानना नहीं। डीजे वीजे बजाते हो, वो जो शिवाजी महाराज की जयंती निकालते हैं वो करना चाहिए, बट उनकी जयंती में दारू पी के नहीं नाचना चाहिए, गुटखा भी मिल नहीं खाना चाहिए अपने को, वो सब नहीं करना चाहिए। और ये अपने को शिवाजी महाराज ने नहीं सिखाया है, अपने से नहीं होता है तो मत करो, क्योंकि शिवाजी महाराज जी ने अपने को यही सिखाया है कि दारू पी के मेरी जयंती मत करो। ढोलता से वो सब बजाते हैं, डीजे वीजे ये सब अच्छा है, लेकिन दारू पी के उसमें नाचने का नहीं, इससे शिवाजी महाराज का अपमान होता है, आपका नहीं होता है, शिवाजी महाराज का अपमान। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मतलब धीरज भाई ने जो कहा कि मतलब ये जो दारू पीते हैं ये सब वगैरह धूम धड़ाका करते हैं, तो मतलब इससे क्या है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है। वो उसमें अपने जैसे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका अपमान होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जितना सिंपल तरीके से मनाई जाए उतनी काफ़ी बेहतर। फाइनली गाइज, अब हम उधर से फारिग हो चुके हैं, हमने जयंती काफ़ी धूम से मनाई,
और बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर, और बहुत ही सम्मान के साथ जयंती मनाई गई। तो अब हम थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं, मतलब काफ़ी हमें भूख लगी थी, हम सुबह से वहीं थे, पूरा प्रोग्राम वहीं किया। और देखिए अब हम इधर के कौन सा एरिया है भाई, ये हरिनगर, ये हरिनगर है, सूरत का एरिया है। तो यहाँ के बहुत ही फेमस समोसे, जो कि आप देख सकते हो महाजैन समोसे का नाम से। गाइस देखिए ये समोसे की जो लारी है, काफ़ी जोरदार समोसे बनाते हैं भाई। मैंने सुना, बहुत लोगों ने मुझसे सुना हो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस समोसे और बहुत ही टेस्टी है, जो कि ज़्यादातर इनकी चटनी से मालूम पड़ता है। बहुत लोग इनकी चटनी की तारीफ करते हैं जो कि यहाँ पे रखी हुई है। गाइस देखिए ये समोसा था और ये चटनी है, जो कि इनकी चटनी की ज़्यादा तारीफ़ होती है। चटनी बहुत ही फेमस है यहाँ की, जिसकी वजह से समोसा खाने लोग आते हैं, बहुत ही काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है।